कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एम्स ऋषिकेश 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा शाही स्नान पर्वों पर आपदा की स्थिति से निपटने के लिए भी एम्स ऋषिकेश में डिजास्टर वार्ड और आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज एम्स निदेशक प्रोफेसर रवि हरिद्वार के बैरागी कैंप में बने सेक्टर चिकित्सालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में किसी प्रकार के उपचार के लिए एम्स द्वारा ALS और BLS एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। जरूरत पड़ने पर गंभीर किस्म के रोगियों को एम्स पहुंचाकर तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2400 घंटे सेवारत डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। ये सेक्टर अस्पताल जो बैरागी कैंप में है, ये एम्स के द्वारा चलाया गया है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें डॉक्टर्स के रुकने की जगह है, नर्सेज के रुकने की जगह है, अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं और सीरियस मरीज होगा उसको इवैक्यूएट करने के लिए ALS और BLS एम्बुलेंस भी। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मधुर मियाल ने बताया कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एम्स में आईसीयू बेड और ऑपरेशन थिएटर रिजर्व रखे गए हैं। साथ ही सेक्टर चिकित्सालय में भी सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार में कोई कमी न रहे। कुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में एक आधुनिक मेला स्वास्थ्य कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों एवं बढ़ते कोरोना के मामलों के आंकड़ों को संग्रहित किया जाएगा और प्राप्त डेटा के आधार पर जिला प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ ही मेला स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। मेला कंट्रोल रूम हमने बना रखा है, जिसमें कि एक टोल फ्री नंबर है और कोई भी श्रद्धालु किसी को भी अगर हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, ये मेला कंट्रोल रूम मेडिकल हेल्थ है, तो उसके लिए वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एक बार में 10 लाइन हमारी चलेंगी इसमें सॉरी, और 10 जो कॉल ऑपरेटर हैं वो बैठेंगे, वो कॉल रिसीव करेंगे यहाँ पे, और अगर उनकी समस्या का निस्तारण उनके स्तर से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको सुपरवाइज करने के लिए उनसे ऊपर हमारे चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर बैठे होंगे, वो उनकी समस्या का निस्तारण करेंगे। और